ओके, सो बहुत हो गया स्कैरियस्ट व्हाट्सएप चैट पढ़ते पढ़ते। आज हम लोग खुद की स्कैरियस्ट व्हाट्सएप चैट बनाएंगे, एंड वो भी यूट्यूबर्स के साथ। लाइक आज को कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैंने सारे यूट्यूबर्स के नंबर निकाले हुए हैं, लाइक मेरे पास हैं ऑलरेडी, बट मेरे मेन फोन में है। मैंने इसमें से ये एक दूसरे फोन में निकाले हुए सारे नंबर, तो मेरे को कुछ दिख ना जाए। हाँ, इस फोन में है, एंड इस फोन में जो नंबर है वो किसी यूट्यूबर के पास नहीं है। तो मैंने सोचा हुआ है कि मैं वो डरावने मैसेजेस सारे यूट्यूबर्स को भेजूंगा, वो भी एक अननोन नंबर से जो कि ये है, एंड फिर मुझे देखना है कि उनका रिएक्शन क्या होगा। एंड अगर तुम सोच रहे हो वो डरावने मैसेजेस कैसे होने वाले हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने एक लिखा हुआ है देखो, डरावना है, डरना मत। ओके, तो एक मैसेज है, तुम्हारे दोस्त को तो मैंने मार दिया है, अब तुम्हारी बारी है। भाई देख, सोचो एक अननोन नंबर से तुम्हें ये मैसेज आ रहा है, तुम्हारी फटेगी नहीं भाई, मेरी फट जाएगी, सीरियसली मजाक भी नहीं कर रहा हूं। और ऊपर से एक और चीज, अभी रात के ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं, तो 12 बजे अगर ऐसा मैसेज आता है, ना ना ना, मैं नहीं मान सकता कोई ना डरे। तो देखो आज की वीडियो सीरियस है, मजाक बिल्कुल नहीं है ये, वो मैं बस हंस हंस के बना रहा हूँ क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ ये। भाई लेट्स सी किन किन यूट्यूबर्स के अंदर जिगरा है बिल्कुल मेरी तरह और किन के अंदर नहीं है। भाई मुझे लग रहा है सारे डर जाएंगे, ठीक है, बट बस एक बार देख ले मैसेज, क्योंकि होता है यार अननोन नंबर से मैसेज आता है, यूट्यूबर्स लोग ऐसा देखते नहीं है, कॉल आता है कॉल उठाते नहीं है। ओके, सो मैं अभी इस फोन का व्हाट्सएप खोल ले रहा हूँ, एंड मैं सारे नंबर सेव किए हुए हैं इसमें ऑलरेडी, एंड मैं सोच रहा हूँ मैं सबसे पहले उज्जवल भाई को मैसेज करूँ। ओके, तो मैं उज्जवल भाई का नंबर सर्च कर लेता हूँ। देखो ये नंबर है, तुम्हें बिल्कुल नहीं दिखेगा, मैंने ऑलरेडी इसीलिए सेव किया हुआ ताकि नंबर वगैरह ना दिखे किसी के भी, नहीं तो पता लग रहा है सारे यूट्यूबर्स बाद में घर पे आ गए मेरे को मारने, अच्छा ही लगेगा ना यार। तो देखो अगर उज्जवल भाई डर जाते तो मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ बाकी यूट्यूबर्स भी डरेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी क्या इनको डरावना मैसेज भेज सकता हूँ। देखो इनकी जीती वीडियो नहीं आ रही है ना काफी टाइम से, रुको 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 भाई, लास्ट एक महीने पहले डाली है भाई, इनको डराना जरूरी है। रुको रुको रुको, मैं जितने भी डरावने मैसेजेस लिखे, सबसे ज्यादा डरावना चाहिए मुझे। ओके, मेरे दिमाग में एक आ चुका है, ओके मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ओके, सो मैं लिख दिया, लाश को वहीं छुपाना जहाँ मैंने बोला था, और हाँ कोई गलती मत करना, नहीं तो मैं पुलिस को तुम्हारा नाम दे दूंगी। भाई मेरे को लग रहा है ये ज्यादा डरावना हो गया। ओके, मैंने सेंड कर दिया है। ओके ओके ओके, सिंगल टिक। मैं सोच रहा हूँ मैं इसके साथ कोई फोटो वगैरह भी भेजूं, लाइक कुछ डरावना सा। रुको मेरे को क्रोम पे सर्च करने दो। ओके, मुझे ये फोटो मिला है, एंड देखो थोड़ा डरावना है, मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ एंड इसको भेजता हूँ। रुको रुको भाई, देख तो नहीं लिया होगा व्हाट्सएप, अभी यहाँ पे इस फोटो को भेज देता हूँ। ओके, ये फोटो मैंने कर दिया सेंड भाई। ओके, लाइक सोचो उज्जवल भाई ये मैसेज देखेंगे उनके दिमाग में क्या आएगा, मैं पक्का श्योर हूँ भाई। अभी हम लोग दूसरे यूट्यूबर की तरफ बढ़ते हैं, आगे अगर इनका कुछ रिप्लाई आता है तो बताऊंगा मैं तुम्हें। ओके, सो अगला मैसेज मैं करने वाला हूँ अज्जू भाई को। भाई इनका भी फेस रिवील हुआ है, सोचो इनको क्या लगेगा कि फेस रिवील करते ही धमकी आने लगी, वो भी भूतों की भाई। ओके, ये गए अज्जू भाई, एंड अज्जू भाई ने अपने बायो में लिखा हुआ अवेलेबल, अब ये अवेलेबल देख के भूत इनको मैसेज करेगा। ओके, सो इनके लिए मेरे पास एक मैसेज है। देखो मैं जितना भी सब कुछ लिख रहा हूँ ना, पहले बता रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, कोई सीरियस मत लेने लग जाना। ओके, मैंने अज्जू भाई को लिख दिया है एकदम डरावना सा मैसेज, टुमारो इज गोना बी योर लास्ट डे इन दिस वर्ल्ड, मे योर सोल रेस्ट इन पीस। भाई मेरे को लग रहा है ज्यादा डरावना हो गया, लाइक मेरे को खुद अजीब लग रहा है ये लिखते हुए, बट देखो मजाक है, कोई सीरियस नहीं लेगा। एंड यहाँ पे ये वाला इमोजी भी लगा दे रहा हूँ मैं, एंड मैं इसमें एक और चीज ऐड कर रहा हूँ। ओके, मैंने एक और लाइन ऐड कर दी है, आई रिकॉग्नाइज्ड यू फ्रॉम योर फेस रिवील वीडियो, लाइक थोड़ा रियल लगेगा। एंड ये दो बारी फिर से इमोजी ऐड कर दिया, एंड अब मैं इसको भेज रहा हूँ भाई। देखो जितने भी ये सारे यूट्यूबर्स हैं रात में जगते हैं, आई नो ये गेम वगैरह खेलते रहते हैं, मम्मी पापा की सुनते नहीं है, तो हाँ ये लोग मैसेज देखेंगे मुझे लगता है, बट लेट्स सी रिप्लाई कौन करता है। ओके, दो लोगों को मैसेज भेज दिया गया है, अभी बारी है फ्लीट भाई की। ओके भाई ये तो जग रहे हैं, मुझे पता है देखो तुरंत रिप्लाई आएगा ना, तो कुछ ऐसा और ज्यादा डरावना निकालता हूँ। ओके, मुझे एक मिल गया है, यस। ओके, फ्लीट भाई का व्हाट्सएप खोल लिया मैंने, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ, गेट खोलो मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ओके, मैंने ये सेंड कर दिया है। मैंने वो वाला इमोजी लगाया लास्ट में, थोड़ी ऐसे मेरे को फीलिंग आ रही है, थोड़ा डरावना सीन क्रिएट कर रहा है वो इमोजी। एंड मैं और भी लिखता हूँ, तुम्हें पता है मैं अंदर नहीं आ सकता। ओके, ये मैंने सेंड कर दिया है, बट यार ये डबल टिक नहीं हुआ, मतलब मेरे यहाँ से मैसेज चला गया पर वहाँ पे डिलीवर हुआ नहीं है। अबे यार पूरा मजा खराब कर रहे हैं यार ये व्हाट्सएप, इनका ये वाला फोन बंद है क्या? रुको रुको रुको, मेरे पास ना फ्लीट बाइक के दो नंबर है, तो हो सकता है वो दूसरे फोन पे एक्टिव हो। ओके, मैंने
अपना दूसरा नंबर सेव कर लिया है, अभी उस पे मैसेज करता हूँ। ओके, ये वाला नंबर है। व्हाट, अभी इस पे व्हाट्सएप ही नहीं है? अबे यार प्लीज भाई, मैंने कितनी उम्मीद के साथ दूसरा नंबर सेव किया था एंड इस पे लिख के आ रहा है इनवाइट करने को व्हाट्सएप पे। फिर भाई यार व्हाट्सएप तो हर नंबर पे होना चाहिए, ये कोई बात थोड़ी होती है। बट देखो आई गेस मैं कुछ नहीं कर सकता इस चीज में, अभी ये जब सेंड होगा तभी सेंड होगा और मैं ये फोटो ही भेज दे रहा हूँ साथ में। थोड़ा डरावना लग रहा है बस। ओके, सो अभी हम लोग अगले यूट्यूबर को डराते हैं एंड वो है स्मार्टी भाई। ओके, इनका नंबर व्हाट भाई 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 वेट, उज्जवल भाई ने सीन किया मैसेज, दिख रहा है तुम्हें? ओए भाई, बट सीन करके बस छोड़ दिया है, व्हाट? अभी कुछ लिखो यार, इतनी मेहनत करके मैंने इतना डरावना मैसेज बना के भेजा है। भाई टाइपिंग हो रहा है, आर यू सीरियस भाई? अबे भाई मेरे को देखना यार ये क्या लिखेंगे, गाली मत देना यार। बट यार डर जाएंगे, मेरे को लग रहा है रात के 12 बजे अगर ऐसा मैसेज आ रहा है डर जाओ ऐसे। ओ कौन भाई, व्हाट? अबे डरे तो होंगे, रुको मैं ना थोड़ा और डराता हूँ। मैं अभी क्या लिख सकता हूँ जिससे कि और डर जाए? मैं लिखता हूँ नौटंकी मत कर काम कर। भाई लाइक देखो, जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ वो है, मतलब थोड़ा ऐसा ही है, मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा। ओके, इस पे क्या रिप्लाई आता है? मैं थोड़ा और ऐड कर रहा हूँ, नहीं तो जेल जाना होगा तुझे। यस भाई, ओके 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 भाई, कुछ तो टाइप हो रहा है। भाई इतना क्या सोच रहे हैं टाइप करने में? मतलब देखो सोचना बनता है, कोई अगर ऐसा मैसेज करेगा सोच लो, जितना टाइम लेना है ले लो। इन्होंने लिखा है लाश तो कब की छुपा दी। व्हाट भाई, इनको पता लग गया कि कोई मजाक कर रहा है? अबे या फिर सही में ये लाश छुपाते हैं? भाई मेरे को अभी शक हो रहा है इन पे, और उस पर फिल्म भी बन गई। व्हाट दृश्यम, अरे ये क्या मजाक चालू है? इनको लग रहा है ये मजाक चल रहा है, ये मजाक नहीं चल रहा है, मैंने मैसेज किया है ठीक है। रुको, इनको थोड़ा और डराना पड़ेगा। भाई इमोजी भेज रहे हैं, इनको सही में लग रहा है ये मजाक चल रहा है। बट देखो यार चल रहा है, पर ये डर क्यों नहीं रहे? इनके लिए मजाक थोड़ी है भाई, मैं नहीं खेल रहा इनके साथ, ये डर नहीं रहा। मेरे को और यूट्यूबर्स को डराना है भाई, मैं जा रहा हूँ स्मार्टी भाई को डराने। स्मार्टी भाई की सीरीज चलती है ना हिमलैंड, उसमें वो कैरेक्टर है होगा लाला करके, उससे रिलेटेड कुछ लिखता हूँ मैं सोच रहा हूँ। ओपन योर डोर, आई एम वेटिंग आउटसाइड, योर फ्रेंड होगा ला ला। भाई इसकी स्पेलिंग क्या होती है मेरे को नहीं समझ आ रहा है, बट हाँ मैंने कुछ तो लिख दिया, होगा ला। बट आई गेस वो समझ जाएंगे। तो हाँ मैंने इसको सेंड कर दिया एंड ये डिलीवर्ड भी हो गया। भाई कोई पढ़ क्यों नहीं रहा है? अभी तो उज्जवल भाई नहीं पढ़ा है बस मैसेज, बाकी ना ये फ्लीट भाई ने पढ़ा है ना अज्जू भाई ने पढ़ा है। भाई मेरे को भेजो कोई ऐसे मैसेज, मैं रात रात भर उससे चैटा करना चाहूंगा कि क्या पता वो लड़की हो। मेरे को मजाक कर रहा था, ऐसा सीरियस नहीं करूंगा मैं। ओके, सो अभी अगली बारी है मिथपैट भाई की, लेट्स सी भाई डरते हैं कि नहीं डरते हैं। पहले तो रिप्लाई आ जाए भाई, बड़ी बात है। ओके, इनको क्या लिखूं मैं, कुछ तो डरावना। भाई मैं इतने सारे मैसेज लिख दिए, कुछ नए नए आइडियाज ही नहीं आ रहे, कुछ ऐसा बदला टाइप लिखता हूँ। रुको, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे भाई के साथ, अब मुझे तुम्हारी जान लेने से कोई नहीं रोक सकता। भाई मेरे को लग रही है डरावने मैसेज कम है, ये धमकी वाले मैसेज ज्यादा है। भाई ऐसा ना हो ये सारे यूट्यूबर्स केस कर दें, इनको पता ना हो कोई मजाक कर रहा है मेरे जैसा बंदा, और फिर मेरे जिस दोस्त का ये नंबर है उसके घर में पुलिस आ रही है। भाई रुको, मैं को ना ऐसा सबको बताना पड़ेगा कि ये मजाक था बाद में। ओके, इनको भी लिख दिया मैंने एंड लास्ट में अपना इमोजी जो कि जरूरी है, जिससे कि लगता है कुछ डरावना हुआ है, क्योंकि मैंने सही तो लिखा है ना, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे भाई के साथ, अब मुझे तुम्हारी जान लेने से कोई नहीं रोक सकता। यस, बिल्कुल धमकी लग रही है। मतलब आगे जाके मेरा अगर यूट्यूब नहीं चलता तो मैं डॉन वन बन सकता हूँ, ऐसा वसूली ले रहे हैं मस्त। सही है भाई। ओके, सो अभी हम लोग चपाती भाई को मैसेज करने वाले हैं। बट देखो चपाती भाई के साथ एक दिक्कत है, वो इंडिया में नहीं रहते, वो बाहर रहते हैं। मतलब उनके नंबर से पहले +91 नहीं आता, उनके नंबर से पहले आता है +44 एंड देखो उनका टाइम जोन भी अलग है, तो क्या पता उनके यहाँ अभी सुबह हो रही हो, क्या पता। ओके, मैंने इनको लिख दिया है, आई वॉन्ट टू टेस्ट योर ब्लड, ओपन योर डोर। भाई मैं बता रहा हूँ चपाती भाई के यहाँ अगर अभी रात होगी तो डेफिनेटली इनकी फट जाएगी, दिन में तो क्या पता भाई ना फटे। एंड मैं काम कर रहा हूँ इसके साथ ना, जो काला दिल होता नहीं वो वाला इमोजी भेज दे रहा हूँ, थोड़ा लगेगा डरावना। ओके, ये मैंने कर दिया सेंड। यस, इसके साथ कुछ फोटो वगैरह ही भेज सकता हूँ क्या? देखो वो यूके में रहता है, यूके के डोर कैसे होते हैं वो देखना तुम्हें, उनको लगे कि भाई उनके गेट के बाहर से फोटो लिया गया है। ओके, मुझे एक फोटो मिला तो है भाई, डरावना भी लग रहा है। ओके, ये मैंने सेंड कर दिया। यस, इस भूत की शक्ल भी मैच कर रही है मेरे मैसेज के साथ, ऐसा उसकी आंखों में से खून निकल रहा है काला काला, मुंह में से भी निकल रहा है खून काला काला। देखो भूतों का खून काला ही होता है, मेरा भी काला है। ओके, सो अभी बारी है निश्चय भाई की, लेट्स
सी ये मैसेज देखते हैं कि नहीं देखते हैं। पर इनके लिए देखो मेरे को थोड़ा डरावना मैसेज चाहिए, और ज्यादा डरावना। लाइक अभी तक मैं जितने लिखे हैं उनमें सबसे ज्यादा डरावना। ओके, एक डरावना मैसेज आया मेरे दिमाग में। मुझे पता लग चुका है तुम कहाँ रहते हो, अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। और हमेशा की तरह डराने वाला इमोजी दो बार ताकि डर ज्यादा लगे। और मैं इसको भी सेंड कर रहा हूँ। ओके, अभी मैंने इनको भी मैसेज कर दिया है एंड अभी आई गेस ये भी सीन नहीं करने वाले। बट मेरे को लग रहा है रिश्ते भाई ना ऐसा रात में जगते हैं, तो आई होप ये सीन कर लेंगे। बट अभी मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरफ बढ़ता हूँ। ओके, सो अभी मैं भिक्षु को डराने वाला हूँ। ओके, भिक्षु का नंबर निकाल हूँ मैं। व्हाट भाई, निश्चय भाई ने सीन कर लिया मैसेज। अबे ये देखो तुम, बट कुछ टाइप नहीं कर रहे हैं ये। रुको 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 रुको, कुछ करेंगे। टाइपिंग तो आ रहे हैं भाई। करना क्या चाहते हैं, टाइपिंग करके छोड़ दिया है। इनकी गर्लफ्रेंड थोड़ी हूँ मैं, इतना भाव के खा रहे भूत हूँ। ओके, मैं वेट करता हूँ। कुछ तो आया, डर तो लगा होगा यार। देखो मैं अपने ऊपर चीजें रख के देखता हूँ, अगर मेरे कोई ऐसा मैसेज आएगा मेरे को डर लगेगा, सीरियसली लगेगा। रात में तो और ज्यादा लगेगा, इनको क्यों नहीं लगेगा। हाँ भाई, कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है। ओपन योर डोर राइट नाउ। भाई ये डरावना है। ओके, मैं इसको सेंड कर रहा हूँ। ओके, ये सेंड हो गया है, बट इसमें वन टिक हुआ है, दो टिक नहीं हुआ, मतलब डिलीवर नहीं हुआ मैसेज। मेरे को ब्लॉक तो नहीं कर दिया भाई? वो हो सकता है यार कि मैसेज देख के ब्लॉक कर दिया हो। भाई इतना डर कि सीधा ब्लॉक कर दिया यार। ओके, मैंने एक ब्लॉक तो खा लिया आई गेस। अब निश्चय भाई को बता भी नहीं सकता कि मैं मजाक कर रहा था। मेरे को बाद में कॉल वॉल करना पड़ेगा। बट देखो डर तो लगा है, तभी जाके ब्लॉक किया है। उज्जवल भाई की तरह नहीं जो बोल रहे हाँ लाश तो छुपा दी है मैंने, ये थोड़ी वही बात होती है। ओके, सो अभी भिक्षु की बारी है। ओके, इसका नंबर मैं सेव किया हुआ है एंड अभी इसको क्या लिखूं मैं इसको लिखता हूँ, ब्लड इज ऑल आई वॉन्ट, ओपन योर डोर नाउ, आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं हंस क्यों रहा हूँ यार, ये डरावने मैसेज है। सीरियस? ओके, अभी डरावने वाले इमोजी जो हमेशा भेजते हैं। देखो ये तो स्कैरियस्ट व्हाट्सएप चैट वाली वीडियो भी बनाता है, तो इसकी तो ज्यादा फटेगी, मैं बता रहा हूँ। इसको लगेगा ओ जो चीजें बनाता हूँ वो मेरे साथ एक्चुअल में हो रही है। ओ टाइपिंग व्हाट, अरे ये क्या लिख रहा है, क्या हाल है, व्हाट ये क्या है, अरे ये ऐसे क्यों लिख रहा है, इसके पास मेरा ये वाला नंबर है क्या? नहीं यार, ये तो मेरा नंबर ही नहीं है, इसके पास कैसे हो सकता है। मैं इसको लिखता हूँ फिर से, ओपन योर गेट। मैं पूरा डराने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई कुछ रिप्लाई आएगा कि नहीं आएगा? उसने क्या हाल है, ये क्यों लिखा है भाई? क्या ये सही में डर गया, अब तो रिप्लाई नहीं कर रहा है। ओके ओके ओके, भाई नोएडा वाला या चंडीगढ़? अरे यार इसको पता है भाई। अरे शिट भाई, मेरा ही पोपट हो गया यहाँ पे। बट इसके पास ये नंबर है कैसे यार, ये तो मेरे दोस्त का नंबर है, मेरा भी नहीं है। ठीक है भाई, हो गया भाई, पोपट हो गया। मेरे को लग रहा था इतनी देर बाद कोई तो डरेगा, बट सही है भाई, इतना गंदा पोपट मेरा इससे पहले कभी नहीं हुआ है। सही है, ये अब भेज रहा। ओ नो, अरे यार पहले भेजना था, ये कंटेंट नहीं दिया जा रहा है इससे। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे कॉल करता हूँ। उठा ले भाई, पता लग रहा कॉल भी नहीं उठा रहा है भाई। क्या बात है भाई, हैं क्या दिक्कत, क्या भाई तुम्हें? भाई मुझे क्या दिक्कत है भाई, डरा नहीं जा रहा है तुमसे। हाँ तुझे पता है कि हाँ मैं डरा रहा हूँ, तो डर जाना, क्या दिक्कत है? वो जो ओनो वाला मैसेज है वो पहले भेज देता बस। मैं सच्ची में डर गया था, मैं मजाक नहीं कर रहा। सही में? फिर क्या किया तूने? ट्रू कॉलर? ट्रू कॉलर नहीं, मतलब मैंने विशाल नाम देखा, मैंने बोला अच्छा ये तो इसका दोस्त है। अबे यार भाई मैं सोचूं ये नंबर तेरे पास कैसे, हो ही नहीं सकता ना ये तो। बस सही है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है क्या कुछ? हाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, स्कैरिंग यूट्यूबर्स विद स्कैरी मैसेजेस, ऐसा वाला कुछ खुद। डरा तो दिया, झूठ नहीं बोलूंगा। डर गया ना? चलो ठीक है भाई, तुमसे हम बाद में मिलते हैं, बात करते हैं भाई। गुड नाइट। चलो भाई, गुड नाइट, गुड नाइट भाई, टेक केयर। ओके भाई, YouTube 12 seconds later। ओके, सो मेरे को मैसेज भेजे हुए काफी टाइम हो गया है एंड कुछ लोगों का रिप्लाई भी आया हुआ है भाई, मस्त मस्त रिप्लाई आए हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ मिथपैट भाई का, ये देखो इन्होंने लिखा है, आई हैव रिपोर्टेड यू टू द पुलिस, यू विल बी अरेस्टेड इन 48 आवर्स, पुलिस टोल्ड मी योर सरनेम इज यादव। जिनको नहीं पता मेरा सरनेम यादव है, वी हैव फाउंड ऑल योर डिटेल्स, एफआईआर लॉज्ड अगेंस्ट यू। भाई उन्होंने फोटो भेजा हुआ है यार प्रूफ करने के लिए, बट भाई इनको पता कैसे लगा? हाँ मुझे पता, तुम लोग यही सोच रहे हो, ये चीज मैं भी सोच रहा था, क्योंकि ये नंबर तो मेरे दोस्त का है एंड मिथपैट भाई के पास ये नंबर तो नहीं होगा। बट मैं तुम्हें बताता हूँ उन्हें कैसे पता लगा है। उन्होंने, उनको ये मैसेज गया था, ये दिख रहा होगा तुम्हें, रुको ये दिख रहा है ना, यहाँ पे मेरे दोस्त का नाम भी आ रहा है
एंड फिर कैसे तो जाके उन्होंने इंस्टा पे नाम वाम सर्च किया एंड मेरे दोस्त के साथ मेरा फोटो और सेम यहाँ पे डीपी लगी हुई है जो कि यहाँ पे ये ना व्हाट्सएप पे लगी हुई थी। तो ऐसे करके मैं पकड़ा गया हूँ। भाई यार, पर मित्र भाई ने दिमाग तो लगाया है, देखो ऐसा प्रॉपर नाम सर्च किया और मेरे से ही कनेक्ट किया उस नाम को क्योंकि मेरा सरनेम सेम है। आ आ आ ओके, दिमाग लगाया गया है। बट रिप्लाई काफी ज्यादा फनी था एंड देखो मिथपैट भाई का रिप्लाई काफी टाइम पहले आ गया था। उसके बाद मैंने सारे यूट्यूबर्स को ऐसे लिख दिया कि हाँ भाई ये मजाक था, क्योंकि भाई जैसे मैसेज मैंने भेजे है ना कोई भी सीरियसली ऐसा पुलिस कंप्लेन कर सकता है। तो हाँ, उसके बाद भी कुछ यूट्यूबर्स का रिप्लाई आया हुआ है, जैसे फ्लीट भाई का रिप्लाई आया हुआ है, मैंने उनको यहाँ पे ये लिख दिया था भाई एंड्रयू दिस साइड, ये सब मजाक वगैरह था, ये सब लिख दिया मैंने। फिर इसके बाद फ्लीट भाई का रिप्लाई आया, भाई पैंट में मूड दिया था मैंने, थैंक यू, दो बार सारे कैमरा चेक किए देन बाहर गेट तक होके आया हूँ। अरे यार देख रहे, मैंने बोला था लोगों की फटी होगी, तू बस मिल मत जाना मुझे इन पर्सन भाई, धमकी। फिर उसके बाद मैंने भी ऐसा दिल दिल भेज दिया भाई, देखो डरावने मैसेजेस थे। एंड देखो स्मार्टी भाई का भी रिप्लाई आया हुआ है, इन्होंने लिखा है अच्छा हाँ हाँ, इन्होंने शायद लास्ट में ही देखा है, मतलब जब मैंने ये बता दिया ना कि मैं वीडियो बना रहा था उसके बाद देखा होगा इन्होंने, इसलिए शायद इनका रिएक्शन वैसा डरावना नहीं आया। बट हाँ देखो, मैं किसी को ज्यादा परेशान नहीं करूंगा अब, मेरे को मजा आया यार ये वीडियो बना के। एंड अगर तुम्हें देखने में मजा आया हो तो लाइक कर दो वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और हाँ मिथपैट भाई और फ्लीट भाई, आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो